मुझे उन लोगों ने जलाया, पीटा और मार डाला, पर तूने कुछ नहीं किया। पहले आपसे मेरा हाथ चला। सुशील ने इंस्पेक्टर रमन का हाथ पकड़ा और रमन का हाथ अपने आप ही जली अवस्था में आ गया और वो दर्द से तड़पने लगा। फिर मेरा सर जैसे अपनी न चला। फिर उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया जैसे तेरी आंखों के सामने छा रहा है। कांस्टेबल रोतेरा अब तक हॉस्पिटल के बालकनी से भाग रहा था और उसका रास्ता रोका सुशील ने। पोस्टमार्टम में बहुत मजा आता है ना, क्यों ना मेरा साहब, पहले चीरा लगाया जाता है। सुशील अपने नाखून से आरक्षी रोतेरा के शरीर में चीरा लगाता चला गया और जड़ पर दर्द से चीखता रोतेरा का शरीर बेजान होता चला। इंस्पेक्टर रमन और उसके साथी मारे गए। आरक्षी वर्मा और आरक्षी पाटिल होश में आने के बाद भी सदमे के कारण कुछ बताने की स्थिति में ही नहीं थे। सुशील की लाश अपनी जगह पर पड़ी थी। बांधव गांव के निकट हरियाली से भरा बड़ा पठार इलाका था, जहां गांव के आमदनी का एक जरिया मवेशियों के झुंड चरने और वहीं स्थित झील पर अपनी प्यास बुझाने गए थे। पर उनमें से बहुत कम ही लौटकर गांव आए। जब कुछ गांव वालों ने अपने घरों की छत पर चढ़कर देखा तो पठार पर निरीह जानवरों की लाशों से बने ये शब्द लिखे थे। भूख और प्यास तो कुछ ही जानवरों को लगी थी, बाकी सब बेचारे तो फिर चाल भी उनके साथ आ गए। और जो किसी दूसरे के काम में उसका साथ देगा वो मरेगा, जैसे मैं मरा था प्रकाश का साथ देने पर। बांधव वासियों का धैर्य टूटता जा रहा था, पर वो कुछ भी कर नहीं सकते थे। अब उन्हें बस ऊपर वाले का सहारा था। अलग निरंजन, जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ की जय। गांव वालों, हम हैं बाबा शीलनाथ और इस गांव की प्रेत बाधा हमें हमारी साधना से यहाँ खींच ला रहे हैं। यहाँ कुछ घोर अपशगुन के योग बन रहे हैं, पर हम सब दूर कर देंगे। और हमारी शक्ति पर संदेह न करना, क्योंकि हम गांव के एक कोने से बोल रहे हैं, वो संदेश पूरे गांव में गूंज रहा है। आज उस दुष्ट आत्मा के पूर्व निवास के निकट हमने सामूहिक साधना का संकल्प लिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा गांववासी आकर उस दुरात्मा को सदैव के लिए यहां से भगाने के प्रयास में हमारा सहयोग करें। बम बम भोले। बाबा शीलनाथ की बात ही गांव वालों को इस विकट समस्या से निपटने का एकमात्र साधन लगी और इस वजह से बहुत से गांव वाले साधना में शामिल होने मृत सुशील के घर के पास बाबा द्वारा बनाए गए साधना स्थल पर एकत्र हुए। बाबा शीलनाथ ने अपनी आराधना शुरू की। उनका मंत्रोच्चार बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे गांववासी मंत्रों के प्रभाव से मदहोश होते जा रहे थे। तभी दर्द से तड़पते हुए कुछ लोगों की इस आवाज ने सबको चौंका दिया। ये चीखें अलग थी, ऐसी चीखें किसी दर्दनाक मौत से पहले ही सुनने को मिलती है। सहमे लोगों ने आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर रोशनी से सामंजस्य बनाती हुई उनकी आंखें दहशत से फटने लगी। बाबा शीलनाथ की जगह सुशील की आत्मा वहां बैठे कुछ गांव वालों को साधना स्थल पर बने बड़े से हवन कुंड में झोंक रही। अरे सब हैरान क्यों हो रहे, पहले कभी साधना नहीं देखी क्या? अब साधना में मंत्र होते हैं, ध्यान लगाया जाता है, हवन होता है और हवन में आहुतियां दी जाती है इस तरह। और भोले बाबा पर संदेह न करना, हम भूत ही तो भोले बाबा के गण होते हैं। सुशील ने एक वृद्ध के बाल पकड़कर उन्हें हवन कुंड में डाल दिए। आप लोग तो साथ में हैं, तो डरना कैसा? पर मैंने पहले ही कितनी बार समझाया है कि अगर किसी का साथ दोगे तो मारे जाओगे, जैसे मैं मरा था अपने दोस्त का साथ दे। लोगों ने भागना चाहा, पर उनका रास्ता आत्माओं के अवरोध ने रोक लिया। ये भटकती रूहों की दीवार है, अतृप्त आत्माएं सेठ जी, धरती पर मनोरंजन का मौका इन्हें कम ही मिलता है, इसलिए मैंने इन सबको अपना साथी बना लिया। पर बांधव गांव के पंडित जी अपने साथ पवित्र जल का पात्र लाए थे। उन्होंने उसका जल रूहों की दीवारों पर फेंका,
जिससे उस दीवार की आत्माएं तड़पी और उसमें क्षणिक रास्ता बना, जिससे पंडित जी समेत गांव के कुछ लोग भागे। वो सब अभी कुछ दूर ही भागे होंगे कि एक विशाल काय बवंडर ने सबको खुद में समा लिया और फिर से साधना स्थल पर लापटका। सभी इस आकस्मिक झटके से उभर ही रहे थे कि उन्हें फिर से गुस्से में फुफकारती सुशील की आकृति दिखी। ये आपने अच्छा नहीं किया पंडित जी, बहुत जलन होती है दुष्ट आत्माओं को पवित्र जल से ऐसे। सुशील ने जमीन पर पड़े पंडित जी पर तेजाब की कुछ बूंदे डाली और पंडित जी पूरी तरह तड़प उठे। बिल्कुल ऐसे ही जलन जैसी आपको अभी हो रही है, लगता है तेजी से गिरने के कारण आपके पैर टूट गए हैं। हाय रे, ये मुझे भागने से क्या हो गया, मैं तो पाप का भागीदार बन गया और आपका पवित्र जल का लोटा आपसे दूर वहां पड़ा है, शायद उसमें अभी भी जल हो। फिर पंडित जी पर लगातार तेजाब की बारिश होने लगी। पंडित जी की हौलनाक चीखें उबलने लगी, उनका शरीर झुलसने गलने लगा। पंडित जी अपने जीवन को बचाने की आखिरी उम्मीद पवित्र जल के पात्र की तरफ जमीन पर खिसटने लगे। हाँ पंडित जी, आप कर सकते हैं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, जोर लगाइए पंडित जी, उठने की कोशिश कीजिए। पर पंडित जी का संघर्ष जल्द ही उनकी जीवन लीला के साथ समाप्त हो गया। फिर सुशील ने वहां बाकी बचे करा रहे गांव वालों पर भी रहम नहीं किया और उन्हें मार डाला। सुशील की आत्मा ने पूरा गांव ही लीन लिया था। अब केवल गांव का सरपंच सुखराम और उसका परिवार बचा था, जिसमें सिर्फ उसका इकलौता बेटा विक्रांत और पुत्र वधू यामिनी थी। सुखराम की पत्नी बहुत पहले ही चल बसी थी। सुखराम की पुत्र वधू यामिनी के गर्भ का नवा महीना था और उसे हल्की प्रसव पीड़ा हो रही, पर सुखराम नहीं चाहता था कि यामिनी दूसरे गांव के अस्पताल जाकर बच्चे को जन्म दे, क्योंकि इससे बहुत खतरा था, जबकि विक्रांत अपनी पत्नी की पीड़ा देख नहीं पा रहा। पिताजी, मुझे यामिनी को अस्पताल ले जाना ही पड़ेगा। यामिनी की चीखें और घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। सुखराम का डर जायज था, पर विक्रांत के सब्र का बांध टूटने की कगार पर था। सुखराम बोला, बेटा, यामिनी से ज्यादा दर्द तो उसकी हालत देखकर मुझे हो रहा है, पर वो दरिंदा तुम दोनों के साथ शायद उस अजन्मे बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। विक्रांत बोला, जो होगा वो हमारे हाथों में नहीं है, पर जो हम कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए ना। सुखराम कहता है, वो तुम्हें मार देगा विक्रांत, वो तुम्हें मार देगा। मर तो यामिनी जाएगी अगर वो अस्पताल नहीं पहुंचे, और अगर मेरी पत्नी और संतान मर जाएंगे तो मेरा जीना भी क्या जीना होगा पिताजी। मैं तांगा तैयार करता हूँ, आप घर की रखवाली कीजिए। देखो, हम लोग जल्दी ही शुभ समाचार लेकर लौटेंगे आपके पोते या पोती के साथ। सुखराम ने अपने बेटे को समझाने की लाख कोशिश की, पर आखिर में मजबूर सुखराम को न चाहते हुए अपने बेटे के निर्णय के आगे झुकना पड़ा। अपने परिवार के बचने की संभावना कम देखकर सुखराम का मन भर आया। अपनी आंखों में आए आंसू मुश्किल से थाम कर उसने विक्रांत को आशीर्वाद दिया। जीता रहे मेरे बेटे, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। चलता हूँ पिताजी, जय राम। तांगे के पगडंडी में गायब होने तक सुखराम उन्हें निहारता रहा और फिर दहाड़ मार कर जमीन पर पड़ा रोने लगा, जैसे वो मान चुका था कि अब उसके अपने कभी नहीं लौटेंगे। तांगे के कुछ दूर जाने पर एक चोगाधारी लाठी लिए वृद्ध से व्यक्ति ने उन्हें रोका। रुको रुको बेटा, मुझे बचा लो उस शैतान आत्मा से जिसने पूरा गांव ली लिया है। विक्रांत बोला, बाबा मुझे जाने दो, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भी तो बहुत परेशान हूँ बेटा, इतना समझाया सबको कि किसी का साथ मत दो, मारे जाओगे, पर कोई मानता ही नहीं। विक्रांत समझ चुका था कि ये सुशील की आत्मा है, पर अब तक देर हो चुकी थी। सुशील चलते तांगे में ही बैठ गया। सुशील फिर बोला, तांगा रुके, देखो जल्दबाजी में मेरा चोटा पीछे ही छूट गया। भाभी की हालत तो चिंताजनक है, तुम्हें तो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना चाहिए। मैं बता रहा था कि किसी का साथ नहीं देना चाहिए आजकल के दिन में, वरना इंसान को मरना पड़ता है।